इंपॉर्टेंट गिम्बल्स के बारे में बताया था ठीक है तो दो हजार छह महीने के अंदर ही ना विद इन सिक्स मंथ में ना कुछ नए गिम्बल जो है वो मार्केट में लॉन्च हुए और वो लिटरली टॉप फाइव कैटेगरी के अंदर नाउ फॉल करने लगे हैं अंडर बजट प्राइस रेंज के अंदर

आता है ये मार्केट में आपको इंडियन मार्केट में मिलेगा इसके लमसम ही आपको मिलता है ठीक है और ये बहुत एक लाइट वेट सॉर्ट ऑफ गिम्बल है बहुत कॉम्पैक्ट सॉर्ट ऑफ गिम्बल है इसका एडवांटेज ये है कि ये सबसे कॉम्पैक्ट है राइट नाउ अवेलेबल इन दी मार्केट विद दी हाईएस्ट पीलोड कपैसिटी तो इसमें दो किलो तक के कैमरे को आप अटैच कर सकते हो यानी सोनी सेवन एम थ्री विथ फिफ्टी एम एम लेंस थर्टी फाइव एम एम लेंस ट्वेंटी एम एम लेंस और इवन सी ए सेवन एस थ्री विद ऑल सॉर्ट ऑफ लेंसेज के साथ में आसानी से ये गिम्बल पे बैलेंस हो सकता है और आसानी से आप इससे हाई क्वालिटी कॉन्टेंट शूट कर सकते हो बहुत

मैं आपको क्विक रिलीजिंग 4.0 का ऑप्शन मिलता है इट मीनस आप इजीली जो है अपने कैमरे को रिलीज करके लॉक मोड पर वापस से इसे अटैच uh, कर सकते हो बैलेंस कर सकते हो को बार बार बेसिकली बैलेंस करने की नीड नहीं पड़ेगी गिम्बल को एंड देन सबसे अच्छी चीज जो ये लगी मुझे एक तो इसमें आपको बिल्ट इन लाइट मिलती है डूबल कलर वाली डूबल कलर का मतलब है आप बेसिकली ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो लाइट का तो ब्राइटनेस पूरा का पूरा कंट्रोल हो सकता है ठीक है एंड इसके साथ साथ में आपका कैलविन डिग्री का टेम्परेचर कंट्रोल ऑप्शन मिल जाता है तो इसका एडवांटेज ये होता है जब आपके पास कोई भी सॉर्ट ऑफ लाइट नहीं है ड्यूरिंग द शूट तो आप इसकी लाइट को यूज करके अपने सब्जेक्ट को लेटअप कर सकते हो बहुत अच्छा ऑप्शनल है ऑप्शन है गिम्बल में एक बिल्ट इन लाइट मिल जाना इट्स सोने पे सुहागा एंड एक्सटर्नल माइक्रोफोन का सपोर्ट भी आपको मिलता है तो इसके अंदर बेसिकली माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग का फीचर इन्होंने ऐड किया है और अगर आप क्रिएटर प्रो किट खरीदते हैं तो आपको इसमें एक माइक्रोफोन का जैक मिलेगा जिसके अंदर आप जून का जो शॉर्टगन माइक्रोफोन है वो कनेक्ट कर सकते हो तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके कैमरेज में बिल्ट इन माइक्रोफोन नहीं है और वो माइक्रोफोन कनेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट गिम्बल में और ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं फॉर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है फॉर श्योर sure आप इसे ट्राई करिएगा जिन कैमराज में आपको माइक्रोफोन का ऑप्शन नहीं मिलता तो ये जो है उनके बिफोर वी स्टार्ट क्विक मेशन गई अगर आप स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो ईडीएस पे तो मैं ईडीएस की पूरी मास्टर क्लास लेके आया हूं जिसमें मैंने कलर ग्रेडिंग कलर करेक्शन इसके साथ साथ में और भी इंपॉर्टेंट ईडीएस के जो टूल्स होते हैं थ्री टाइटल बनाना ये सब कुछ मैंने जो है वो इन डेप्थ एक्सप्लेन करा है मेरी मास्टर क्लास के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं ईडीएस की मास्टर क्लास को और सीख सकते हैं प्रोफेशनल लेवल पे वीडियो एडिटिंग लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे अब क्विकली जंप करते हैं वीडियो पे नाउ ले चलता हूं मैं आपको सेकंड गिम्बल की तरफ दैट इज अगेन फ्रॉम ज़ियून और ज़ियून का विबल 2 ये अभी कुछ टाइम पहले वंस अगेन ये भी लॉन्च हुआ है और ये एक तरीके से DJI RSC का कॉम्पिटिटर भी है इस गिम्बल के अपने कुछ एडवांटेजेस मुझे लगे जो एस पर न्यूअर जनरेशन गिम्बल्स में होने चाहिए और इसमें काफ़ी सारी चीजें कंपनी कम, ने जो है विबल एस से कंपैरेटिवली नई चीजें ऐड करी है सबसे पहले अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करूं तो ये मार्केट में अराउंड फोर्टी थाउजेंड से लेकर के फोर्टी टू की प्राइस रेंज के अंदर फॉल करता है दिखने में बहुत ही ज्यादा यू नो एडवांस लगेगा ये गिम्बल बिकॉज ऑफ इसमें आपको एक टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है लाइट वेट है वन सेकेंड इसका जो वेट है ओवरऑल गिम्बल का वो है वन फोर्टी सेवन के जी का तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और ये ज़माना आ गया गई कि हमें एक लाइट वेट गिम्बल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है बिकॉज ऑफ हम कैमरास क्यों भी लाइट वेट करते जा रहे हैं और अगर आपका गिम्बल भारी रहता है तो आपके अगेन हाथों में प्रॉब्लम होने लगती है ड्यूरिंग दी शूट आप ज़्यादा देर शूट नहीं कर सकते हो दैट्स वाई लाइट वेट गिम्बल्स का जो है आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड है ठीक है तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो है 3.5 पॉइंट फाइव के जी अप्रॉक्स तो आप साढ़े तीन के जी तक का कैमरा विथ लेंस इसके ऊपर माउंट कर सकते हो तो कोई हैवी डीएसएलआर और कोई यू नो मिररलेस कैमरा विद दी हैवी लेंस आप आसानी से इसके ऊपर बैलेंस कर सकेंगे एज आई सेट इसमें आपको एक फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है दैट इज टू इंच का फुल कलर टच स्क्रीन जिसके ऊपर आप मॉनिटरिंग कर सकते हो अपने कैमरे के व्यू एंगल को और साथ साथ में टच ट्रैकिंग और अदर ऑप्शंस को भी कंट्रोल कर सकते हो ये पूरी पूरी टच डिस्प्ले टच कैपेसिटिव डिस्प्ले इसमें अगेन वंस अगेन बहुत यूजफुल रहेगा जब आप यू नो गिम्बल से वीडियो शूट करेंगे इट गिव्स यू दिस सॉर्ट ऑफ फीचर जिसमें आप ट्रैकिंग फंक्शनैलिटी को इन सब को ऑन कर सकते हो टू ट्रैक योर सब्जेक्ट सीमलेसली विथ योर गिम्बल मूवमेंट ठीक है अदर अदर देन देन दैट गिम्बल जियून ने इसके साथ में एक वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम भी लॉन्च किया है अगर आप वो खरीद लेते हैं तो आप वायरलेसली ट्रांसमिशन ले पाएंगे अपने इमेरस का 100 मीटर की रेंज पे फुल 1080p के रेजोल्यूशन पे तो ये भी एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है ये एक सेपरेट एक्सेसरी है दैट यू हैव टू बाय और इन्होंने एक वायरलेस मास्टर आई विजुअल कंट्रोलर भी लॉन्च करा है तो ये भी बहुत अच्छा है बट दैट इज ऑल्सो सेपरेट टू परचेज यूनिट जो कि वायरलेस ट्रांसमीटर के साथ में आपको वायरलेस मॉनिटरिंग का फंक्शनलिटी और साथ साथ में गिम्बल के सारे कंट्रोल करने की ऑप्शनैलिटी को प्रोवाइड करता है तो ये भी एक अच्छी चीज है बट अगेन इट विल इंक्रीज योर कॉस्ट अगर आप इस गिम्बल को खरीदेंगे इन चीजों के साथ में और अगर आप इनो स्टैंडर्ड थिंग्स को देखना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड थिंग में आप इस गिम्बल को स्टैंडर्डली परचेस कर सकते हो स्टैंडर्ड ऑन स्टैंड अलोन परचेज कर सकते हो और ये सारी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ आपको एज एन प्रोवाइड कराता है कंट्रोल करने में और गिम्बल से हाई क्वालिटी कंटेंट शूट करने में तो ये मैंने सेकंड कैटेगरी सेकंड टॉप पे रखा हुआ है एंड इसके बाद अगर हम लोग थर्ड गिम्बल की तरफ चलें तो मेरा सबसे फेवरेट गिम्बल ऑन थर्ड पोजीशन स्टिल नाउ डी जे आर एस सी टू अगर आप सभी गिम्बल से कंपेयर करेंगे तो डी जे आर एस सी टू स्टिल एक वन ऑफ वर्थ टू इन्वेस्ट गिम्बल है अगर आपके पास में बजट है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आंख बंद करके खरीद लो डीजेआर टू की जो एम आर पी है और अराउंड समथिंग का मार्केट में कॉस्ट करता है बहुत अच्छा गिम्बल है इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है इसका जो वेट है वो देख सकते हैं हम वन पॉइंट टू के जी का है और थ्री के जी का टेस्टेड पेलोड ये पिक कर सकता है ठीक है वन इंच की ओलेट डिस्प्ले मिलेगी फोर्टी न्यू स्टेबिलाईशन एल्गोदम इसमें यूज की हुई है और इसके अलावा फोल्डेबल डिजाइन है तो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ आप सभी लोगों ने इसका मैंने इसका वैसे एक डेडिकेटेड रिव्यू बना हुआ है अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा यू कुड सी के किस तरीके से ये फोल्ड हो सकता है और बहुत ही अच्छा हाथ में फील करेगा जब आप इसको यूज करोगे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी है पूरा का पूरा यू नो आपके कैमरे बैग में फोल्ड होकर के चले जाएगा इफ यू डू नॉट हैव अदर सॉर्ट ऑफ बैग और आप कितने भी हैवी कैमराज आसानी से उसके ऊपर बैलेंस कर सकते हो स्पेशली मिररलेस कैमराज सॉर्ट ऑफ आसानी से हाथ बंद करके बैलेंस कर सकते हो विद दर लेंसेज टू ठीक है मैंने इसके ऊपर जो है वो सिने कैमराज को भी बैलेंस करके देखा है सम हाउ बैलेंस हो जाता है बट इतना स्टेबल नहीं आता है एफेक्ट सिक्स बट स्टिल आपके डीएसएलआर के लिए काफी ठीक रहेगा मिररलेस कैमराज के, के लिए काफी ठीक रहेगा सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं लाइक यहाँ पे पीछे फोकस पुलर मिल जाएगा फोकस को कंट्रोल करने के लिए इसके साथ साथ में एक ब्राइट डिस्प्ले मिलेगी क्विक रिलीजिंग मैन फोटो वाली बेस प्लेट मिलेगी ठीक है इस तरीके से वर्टिकल मोड पे भी आप इसमें शूट कर सकते हो कॉन्टेंट ऐसे फोल्ड हो जाता है और ये जो एक्स्ट्रा ग्रिप है आपको सपोर्ट करती है हैंड हिल शूट करने में ठीक है और इसका एक इमेज रेवेन आए इमेज ट्रांसमिशन सिस्टम भी कंपनी ने लॉन्च करा है बट दैट यू हैव टू सेपरेटली बाय उसमें क्या होगा कि जो ट्रांसमिशन है वो आपके मोबाइल पे आएगा और थ्रू मोबाइल आप गिम्बल को पूरा का पूरा कंट्रोल कर पाओगे तो ये एक सेपरेट कॉस्ट एड कर देगा आपके लिए बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसे स्टैंड अलोन परचेज कर सकते हो बहुत अच्छा गिम्बल है स्टैंड अलोन परचेज करने में तो थर्ड नंबर पे मैंने इस गिम्बल को रखा है नाउ फोर्थ गिम्बल पे चलते हैं जो कि वंस अगेन एक रिसेंट लॉन्च गिम्बल है इसका नाम है मोजा एयर टू तो अगर आपको कोई भी फोल्डेबल शिट वाला गिम्बल नहीं चाहिए यू वॉन्ट अ स्टैंडर्ड सॉर्ट ऑफ अ गिम्बल स्टैंडर्ड लुकिंग गिम्बल जिसकी हाइएस्ट पेलोड कैपेसिटी हो जिसकी पेलोड कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो देन यू कैन गो विद मोजा एयर मोजा एयर टू एस ये भी कुछ टाइम पहले ही मोजा ने लॉन्च करा है बहुत ही अच्छा गिम्बल है आप आंख बंद करके इस गिम्बल को क्या है ट्वेंटी आर का बैटरी लाइफ है आप देख सकते हैं फास्ट चार्जिंग आपको टू पॉइंट जीरो का ऑप्शन मिलेगा ठीक है और साथ साथ में फोर पॉइंट टू तक का पेलोड ले सकता है अब बिफोर वी गो इसके अलावा जितने भी मैं अभी आपको बता रहा हूं, इनके सबके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड किए हुए हैं तो जाकर के आप फॉर शोर चेकआउट कर सकते हैं अब ये जो गिम्बल है ये बजट प्राइस रेंज के अंदर आता है इसकी जो प्राइस रेंज है वो अराउंड फोर्टी वन थाउजेंड रुपीज का ये मार्केट में पड़ेगा एज आई सेड का पेलोड कैपेसिटी अभी तक के जितने गिम्बल हम लोगों ने देखे सबसे ज्यादा है ठीक है सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी है एक्सेस लॉक का ऑप्शन है मोजा स्पार्क पावर सप्लाई 3.0 पॉइंट जीरो का ऑप्शन है स्मार्ट माइक्रो हैंड स्मार्ट माइक्रो हैंडल व्हील है टू कंट्रोल स्मूथ मूवमेंट तो ये एक हैंडल व्हील इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड करा है माइक्रो हैंडल व्हील जिसके थ्रू जब आप यू नो मूवमेंट देंगे व्हील को घुमा के तो आप अच्छे अच्छे मूवमेंट बहुत स्मूथली दे सकते हैं ठीक है ये मूवमेंट देने के लिए बनाया गया है फोकस पुल करने के लिए और यू नो टिल्ट अप और टिल डाउन मूवमेंट के लिए तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज मुझे मुझे लगी अराउंड थर्टी टू हंड्रेड लाइफ भी जो है वो बहुत अमेजिंग है इसकी काफी देर तक इस गिम्बल को आप पावर अप कर सकते हो थर्टी वॉट का चार्जर को यह सपोर्ट करता है स्टैंडर्ड दिखने में है थोड़ा सा बल्कि ये गिम्बल बिकॉज ऑफ ये वन पॉइंट फाइव के जी के वे करता है ठीक है तो आपके हाथ में थोड़ा सा फील होगा जब इस गिम्बल को आप यूज़ करोगे बट ऑल अगर आप एक स्टैंडर्ड लुकिंग गिम्बल और एक हाई पेलोड कपैसिटी वाले गिम्बल की तरफ जाना चाहते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड

फोल्डेबल डिजाइन में आएगा सिमिलरली आजकल का ट्रेंड है फोल्डेबल डिजाइन का न्यू गिम्बल जो है वो सारे फोल्डेबल डिजाइन में आपको दिख रहे हैं तो इस तरीके से बेसिकली आप इसे फोल्ड कर सकते हो लेट मी शो यू गाइस तो इस तरीके से बेसिकली फोल्ड हो सकता है लाइक एक् एक्सैक्ट सेम डीजे आर एस सी टू ठीक है ऐसे की तरफ अगर आप यू नो ट्राईपॉट की ग्रिप लगाएंगे तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा लोअर एंगल शॉर्ट्स को यूज करने में ठीक है इसके अलावा इस तरीके से बेसिकली आप कॉन्टेंट शूट करने में इसको यूज कर सकते हो नीचे की तरफ हैंडल लगा दो ऊपर की तरफ हैंडल लगा दो इट विल गिव यू एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ यू नो डुबल हैंडल ग्रिप जब

अराउंड 1.2 पॉइंट के जी का यह वे करता है आ, काफी लाइट वेट शॉर्ट ऑफ गिम्बल है आप इसके ऊपर सारे भारी कैमरास जो मिररलेस डीएसएलआर है उनको आसानी से इस पर अटैच कर सकते हो आंख बंद करके और एज आई सेड इसको वर्टिकल मोड पे और हॉरिजॉन्टल मोड पे दोनों ही तरीके से इसको यूज किया जा सकता है मोजा के गिम्बल की खासियत रही है कि साइड में ही वर्टिकल मोड के लिए बेस प्लेट दिया होता है उस पर कनेक्ट हो जाते हैं कैमराज आपके और वर्टिकल मोड पे आप यू नो कंटेंट शूट कर सकते हो बहुत अच्छा गिम्बल है इसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं पावर बैंक के थ्रू आप इनको चार फीचर्स गिम्बल के लाइक पैन टिल फॉलोअर ये सारे जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ है वो सब इस गिम्बल में आपको मिल जाती है इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्सेसरी आप अटैच कर सकते हो मोजा इंटेलिजेंटेंट ब्रिक जिसके क्या होगा कि आप हैंड डिस्टर को यूज करके और ट्रैकिंग सॉर्ट ऑफ ऑप्शन को यू नो यूज कर सकते हैं इस तरीके से बेसिकली छोटा सा कैमरा लेट मी शो यू वंस अगेन इस तरीके से छोटा सा कैमरा जो है वो आपके गिम्बल पर अटैच हो जाएगा और जेस्चर कंट्रोल के थ्रू आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट एंड ऑफ और इसके साथ साथ में ऑटो फोकस ट्रैकिंग फंक्शनैलिटी जो है वो गिम्बल से ही कंट्रोल कर सकते हो तो ये भी बहुत अच्छी चीज है और वंस अगेन ये आपके कंटेंट को अच्छा शूट करने में हेल्प करती है बट प्रॉब्लम क्या है कि ये आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट को इंक्रीज करेगा बिकॉज इज अ थर्ड पार्टी बिकॉज द एक्स्ट्रा बिकॉज दिस इज अ एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ यूनिट विच यू हैव टू बाय फॉर दिस गिम्बल ठीक है बाकी इट्स अ रियली गुड गिम्बल फॉर श्योर आप आंख बंद करके इसे परचेस कर सकते हैं फॉर कंटेंट क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू एज आई सारे जो इंपॉर्टेंट मोड्स हैं हैं वो आपको इस गिम्बल में मिल जाते हैं। तो ये कुछ पांच इंपॉर्टेंट गिम्बल्स थे जो 2022 के अंदर आप खरीद सकते हो बहुत ही अच्छे गिम्बल्स हैं आप आंख बंद करके इसे ले सकते हैं पांचों गिम्बल में से कोई भी एक गिम्बल पिक कर सकते हैं इन सबके लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं अगर आपको खरीदने तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा साथ साथ में आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा गाइस पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और फॉलो कर लीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टेट ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग